अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज हम 11th क्लास न्यू जीए के लिए नया टॉपिक, नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज इसका इंट्रोडक्शन होगा कि इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं और किस जगह से ये स्टेट वजूद में आती है, उसके बारे में आज बात होगी। तो फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो सबको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो इस वक्त हम केमिकल रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि सम रिएक्शंस गोज टू कंप्लीशन। हमने बोला था कि कुछ रिएक्शंस होती है जो कंप्लीट होती है, और साथ साथ हमने यह भी बोला था सर्टन रिएक्शंस डज नॉट अंडरगो कंप्लीशन। ये अच्छे से आप देख लीजिए। दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस आपके पास है इनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। आधे रिएक्शंस तो वो है जो कंप्लीट हो जाती है, और आधे रिएक्शंस वो है जो कंप्लीट नहीं होती है। देख लीजिए, इसी से हमारा जन्म होगा किसका, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। फिर हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे देंगे, ठीक। मैं यहां पे इसकी कुछ एग्जांपल्स यहां पे ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आप सिल्वर नाइट्रेट इसका रिएक्शन करा रहे हो आप सोडियम क्लोराइड के साथ। सबको पता है जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पे AgCl प्लस NaNO3 बन जाता है, ठीक है। और सबको ये भी पता है कि जो ये है इट इज ए वाइट प्रिसिपिटेट PPT, ठीक। यहां पे देख लीजिए आप, जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड ये है क्या है यहां पे, ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। दैट मींस रिएक्टेंट्स गेट कंप्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरी है यहां पे जो रिएक्शंस क्या होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं। देख लीजिए, इसकी बात लीजिए आप सबको पता है कि यहां पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या है फिलहाल अपने, ये रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है हमारा, दिस इज द प्रोडक्ट। यहां पे क्या हो जाता है एक्चुअली, जैसे ही ये आपस में मिल जाते हैं क्या बनाएगा अपना, अमोनिया। अमोनिया बनने के साथ साथ डिकम्पोज हो जाता है। और वापस किस में चेंज होता है, रिएक्टेंट्स में। दैट मींस एट Every instant, we can see both reactants and products. ये अच्छे से ये पॉइंट यहां पे देख लीजिए। पहली रिएक्शन जो हमने यहां पे दे दी, हमने बोला कि जब रिएक्शन कराओगे आफ्टर सम टाइम आपको रिएक्टेंट्स यहां पे दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ क्या दिखाई देगा, प्रोडक्ट्स। दैट मींस रिएक्टेंट्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। और यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के आपका अमोनिया बन जाता है, लेकिन अमोनिया बनने के बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। आप किसी भी वक्त इस रिएक्शन पे नजर डालोगे आपको रिएक्टेंट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। दैट मींस यहां पे सारे रिएक्टेंट्स चेंज नहीं हुए हैं प्रोडक्ट्स में, आप ये बोल सकते हो यहां पे प्रोडक्ट्स भी मौजूद है, रिएक्टेंट्स भी मौजूद है। इस रिएक्शन को आप बोलोगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो गई है, नॉट कंप्लीटेड। अगर कंप्लीट हो गई होती तो यहां पे सिर्फ क्या होते, यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट्स होते, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, हमने पहले बोला कि कुछ रिएक्शंस कंप्लीट होती है, कुछ रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती है। हमने कंप्लीट रिएक्शन की भी एग्जांपल दे दी, हमने इनकंप्लीट रिएक्शन की भी एग्जांपल यहां पे दे दी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, पहली वाली को। इस सेकंड वाली रिएक्शन पे आप नजर डाल लीजिए। यहां पे लिख लेता हूं मैं, 3 times हाइड्रोजन
प्लस नाइट्रोजन गिव्स अस अमोनिया, ठीक है, इट्स ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोला हमने, पहली बात हमने बोली कि यहां पे जो आपका हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है ये आपस में मिलके अमोनिया बनाता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या हुआ हमारे साथ, ये जो हमारा अमोनिया था इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बैक, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बैक। दैट मींस इन सच रिएक्शंस किन रिएक्शंस की बात हो रही है, उन रिएक्शंस की बात हो रही है जो कंप्लीट नहीं होती है। दैट मींस यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई, दैट मींस फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दूसरी रिएक्शन कहां से हो गई हमारी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी रिएक्शन कहां से हो गई हमारी, बैकवर्ड में। दैट मींस इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट सच processes, such reactions, आपको double headed arrow डालना पड़ेगा, pointed in the opposite direction, That means, in such reactions, इन reactions को आप reversible reaction बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम, reversible reactions। अब ये reversible reactions है क्या, these are the reactions in which not only the reactants, not only the reactants change into products, not only reactants change into products, सिर्फ reactants ही products में change नहीं होते, but products also change into reactants। देख लीजिए, आपने reversible reaction की बात यहां पे कही, तो हमने ये बोला कि जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते लेकिन प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। दैट मींस देयर आर टू प्रोसेसेस गोइंग ऑन, टू प्रोसेसेस, कौन सी, एक प्रोसेस को आप बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दूसरे प्रोसेस को क्या बोलोगे, बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरे प्रोसेस को आपने बोला क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। अब दूसरी बात यहां पे, इफ When this rate of forward reaction, जब rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, ठीक है, उस वक्त हम बोलते हैं कि एक state आ गई है इस process में, and that state is called equilibrium state. That state is called equilibrium state. ठीक है, हमने किसकी बात की, reversible reaction की बात की, और ये पहली, इसमें दो processes नहीं थी, that means it is only irreversible reaction. अब इस irreversible reaction में definition देनी हो तो क्या लिखोगे, in which only reactants change to products, only reactants change into products, सिर्फ reactants ही products में change होते हैं और backward reaction यहां पे नहीं होता है, that means products reactants में change नहीं होते हैं, these are the irreversible reactions। इसका मतलब यहां पे समझ लीजिए, अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना होगा वो इक्विलिब्रियम आप इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखोगे जो कंप्लीशन की तरफ जाती है, या इन रिएक्शंस में देखो जो इनकंप्लीट रहती है, दैट मींस रिवर्सिबल। दैट मींस जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है ये आप किन रिएक्शंस में देख सकते हो, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, जहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या, रिएक्शन हो, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे दूसरी बात देख लीजिए, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, हमने पहले ये चेक किया कि ये इक्विलिब्रियम कहां पे स्टार्ट होता है, कहां पे जन्म लेता है, रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इक्विलिब्रियम उन रिएक्शंस में होता है जो रिवर्सिबल हो, दैट मींस विच टेक्स प्लेस इन टू डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्शंस की रेट सेम हो उस वक्त हम बोलते हैं कि कौन सी स्टेट आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट किन रिएक्शंस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस है, जिसमें दो रिएक्शंस होती है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन एक बात यहां पे याद रखिएगा, टू सी द इक्विलिब्रियम ये दोनों रिएक्शंस सेम कंडीशन में होनी चाहिए। सेम कंडीशंस मींस आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों के लिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर इस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी हो, हम ये बोल सकते हैं इट इज द स्टेट ऑफ प्रोसेस, इट इज द स्टेट ऑफ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस में एक स्टेट आ जाती है एट विच उस वक्त क्या हो जाता है, द प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइक टेम्परेचर तो आपने पहले ही सेम रखा है, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये अच्छे से समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन, क्या बोल रहे हैं हम, ये इक्विलिब्रियम स्टेट हम किस स्टेट को बोलते हैं, ये एक रिएक्शन में एक प्रोसेस में ये स्टेट आती है जिस वक्त विद द कोर्स ऑफ टाइम अब कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज नहीं होता है, अब कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम इसी की एग्जाम्पल लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां हम लिखेंगे फॉरवर्ड प्रोसेस, ठीक है। पहले कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इन द इनिशियल स्टेट देयर इज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट एंड अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, अभी अमोनिया बना ही नहीं। तो नेचर सी बात है, कॉमन सी बात है कि पहले कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस स्टार्ट होगी। हम इक्विलिब्रियम का देख लीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी प्रोसेस हो रही है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट मींस इन द इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, यहां पे अमोनिया बन रहा है, अब क्या हो जाएगा, अब यहां पे ये हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों प्रोसेस हो गई, यहां से यहां फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां से यहां बैकवर्ड रिएक्शन, अब देख लीजिए आप सबको पता है क्या कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। अब ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, बिकॉज दे आर गेटिंग कन्वर्ट इनटू अमोनिया, दैट मींस विद टाइम जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट विद टाइम क्या होगी, डिक्रीज, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यू नो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस बैकवर्ड रिएक्शन जो हो है, उसकी रेट अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज, दैट मींस विद टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। ए स्टेट विल रीच व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड दैट टाइम हम ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। उस वक्त हम इसको डिनोट कर सकते हैं टू एरोज के साथ, अब मुझे ये डेफिनेशन एक्चुअली एक्सप्लेन करनी है, अब मुझे यहां पे बोलिए फॉर एग्जाम्पल आपने रिएक्टेंट्स में 50 grams लिए थे, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स अभी बना ही नहीं था, जब प्रोडक्ट्स 20 grams बन गए, कितना बन गए 20 grams, यहां कितना रह गया, यहां रह गया अब 30 grams, क्योंकि इसमें से 50 में से 20 इसमें बन गया। अगर इस स्टेट पे, इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम आ गया, जितने ग्राम्स रिएक्टेंट्स के चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम, उतने ही ग्राम्स इसके चेंज हो जाएंगे वापस किसमें, रिएक्टेंट्स में, दैट मींस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम,
टाइम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज वेदर इट इज रिएक्टेंट और इट इज प्रोडक्ट और इट इज प्रोडक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। देख लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, यहां पे मैं बोल रहा हूं पहले तो इसका रेट, इसका फॉर एग्जाम्पल मास, अगर मास की बात करें कम होता जा रहा था, अब इसका मास क्या है, जब इसका मास बना तो ये वापस इसमें आ रहा है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी उसके बाद क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेट डेट विल नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होगा। अगर एक स्टूडेंट एक इंसान इस रिएक्शन पे नजर डालता है तो वो सोचता है कि यहां पे 30 ग्राम्स, यहां पे 20 ग्राम्स, आफ्टर 5 मिनट्स यहां पे 30 ग्राम्स, यहां पे 20 ग्राम्स, इट सीम्स दैट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, इट सीम्स दैट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, मगर एक्चुअल में रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द सेम स्पीड, बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द सेम स्पीड, दैट मींस जितना इसका यहां पे कन्वर्ट होता है उतना बैकवर्ड में वापस बन जाता है, तभी क्या हो जाता है, तभी इनकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है सेम, टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हमें पहले ही सेम रखना है, तभी मैंने बोला इट इज द स्टेट ऑफ प्रोसेस एट विच द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। अब इक्विलिब्रियम के बाद कितना भी टाइम आप लगाओगे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स में बैक, ठीक है, दैट मींस दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट इक्विलिब्रियम के बारे में, एक बात तो आपने देख ली होगी कि जो ये इक्विलिब्रियम हमारा है, ये इक्विलिब्रियम किस प्रोसेस में आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, और एक पॉइंट इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम के बारे में यहां पे देख लीजिए, हम फिजिक्स टर्म यूज करेंगे यहां पे, फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया है या बोल सकते हो एक बॉडी ली है, इस बॉडी पे यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे एफ, फॉर एग्जांपल इट्स 10 न्यूटन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब यहां पे कोई फोर्स इक्वल फोर्स 10 न्यूटन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, एक फोर्स इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचता है और दूसरा फोर्स इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, मुझे बोलिए ये बॉडी कहां जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिस बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन ना ये यहां जाती है ना ये यहां जाती है, दैट मींस इसमें भी क्या आ गया है, इसमें आ गया है इक्विलिब्रियम, बट दिस इक्विलिब्रियम इज एट रेस्ट, इस इक्विलिब्रियम को आप बोलते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं हम इसको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट मींस इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। ये तो हुई फिजिक्स की बात, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में इतना वाटर डाला हुआ है, ठीक है, अब इसमें मैंने एक होल किया है, जितना यहां से पानी आउट हो रहा है उतना ही पानी आप वाटर टैप से इसमें इन कर रहे हो, अब मुझे बोलिए यहां पे वाटर लेवल राइज होगी या फॉल होगी, राइज और फॉल, देख लीजिए इसकी वजह से जो आप वाटर इसमें भर रहे हो इसकी वजह से ये वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहेगी और इसकी वजह से ये वाटर लेवल डिक्रीज होना चाहेगी, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअल में, वाटर लेवल रिमेन सेम, दैट मींस आप भर रहे हो निकाल भी रहे हो, अगर इस वाटर के भरने को आप फॉरवर्ड रिएक्शन बोलोगे, इसके निकालने को आप बैकवर्ड रिएक्शन बोल रहे हो, इस वक्त क्या हो गया है, जितना वाटर आप डाल रहे हो इतना ही निकाल रहे हो, दैट मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, तो फिर ये वाटर लेवल सेम क्यों रही, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन सेम क्यों रही, क्योंकि यहां पर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम, लेकिन यह इक्विलिब्रियम रेस्ट में है क्या, नहीं, ये रेस्ट में नहीं है, पानी आ रहा है जा रहा है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मींस चलता फिरता इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस और यू कैन से इन केस ऑफ केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम जो है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज डायनेमिक इन नेचर, जैसे आपने अभी बोला था नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां पे क्या हुआ अमोनिया बन गया था, इक्विलिब्रियम जब आया उसके बाद भी रिएक्शन ये कन्वर्ट होते थे प्रोडक्ट्स में, ये कन्वर्ट बैक होते थे रिएक्टेंट्स में, इक्विलिब्रियम तो आया था बट दैट इक्विलिब्रियम वाज डायनेमिक इन नेचर, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, ठीक है।
और एक पॉइंट इक्विलिब्रियम के बारे में, एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। एग्जांपल, पहली बात याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम जब भी आता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में आता है। क्यों? फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होता है, उस वक्त इक्विलिब्रियम आता है। दूसरा पॉइंट जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, डायनेमिक इन नेचर। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं आयरन ले लेता हूं एक ग्लास ट्यूब में। यहां पे मैंने आयरन के कुछ फिलिंग्स ले लिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फ्रॉम बिलो में इसको हीट कर रहा हूं। अच्छे से समझिए, फ्रॉम बिलो में इसको क्या कर रहा हूं, हीट। ठीक, अब हीट के साथ साथ मैं इसमें पास कर रहा हूं स्टीम। क्या पास कर रहा हूं? स्टीम। व्हाट इज स्टीम? इट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, वेपर्स। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने रिएक्शन, इसको मैं बोलूंगा कंटेनर ए। रिएक्शन क्या है हमारी? आयरन प्लस स्टीम, यहां पे स्टीम लिखेंगे, ये क्या प्रोडक्ट्स देगा आपको? Fe3O4, आयरन ऑक्साइड। अब क्या बचा यहां पे? और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या रिएक्शन कराई मैंने? मैंने यहां पे एक ग्लास ट्यूब लिया, इसमें मैंने आयरन फिलिंग्स डाले, इसको हीट किया, ऊपर से स्टीम पास किया, तो आयरन ऑक्साइड बन गया एंड हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्यूब यहां पे ले लेता हूं इन द सेम वे। आयरन ऑक्साइड लूंगा मैं इस वक्त, याद रखिएगा, हीट करूंगा, यहां से मैं हाइड्रोजन पास करूंगा, तो रिएक्टेंट्स क्या बन गए? Fe3O4, 4 टाइम्स हाइड्रोजन, 3 टाइम्स आयरन प्लस स्टीम। ये अच्छे से देख लीजिए, दिस इज द रिएक्ट सिस्टम सेकंड, सिस्टम सेकंड। तो क्या आपको ये लगता है कि इसमें जो ये रिएक्शन हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन मानिए आप, फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरे ट्यूब में मैंने यही रिएक्शन की बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो ये ट्यूब्स मैंने लिए थे, ड्यूज ट्यूब्स वायर ओपन ट्यूब्स, क्या थे ये? ओपन ट्यूब्स। ठीक, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट निकल के ये आ गया कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई स्पीशीज ये तो कॉन्स्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आ गया कि जो ये इक्विलिब्रियम है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये निकल के आ गया कि जो ये इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। और हम फोर्थ पॉइंट निकालने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूब ए में मैंने ये रिएक्शन कराई, ट्यूब सेकंड में मैंने यही रिएक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जो हमने पहला ट्यूब लिया था और सेकंड ट्यूब लिया था, दीज वायर इक्वल ओपन ट्यूब्स। अब मैं ये दोनों रिएक्शन क्या करूंगा, एक ही ट्यूब में करूंगा, या ये रिएक्शन में करूंगा क्लोज्ड ट्यूब में। अब इस क्लोज्ड ट्यूब में क्या होगा, आयरन स्टीम के साथ मिलके आपको आयरन ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो ये आपस में मिलके बैक आपको रिएक्टेंट्स बनाएंगे, दैट मींस रिएक्टेंट्स चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स चेंज होंगे रिएक्टेंट्स में। दैट मींस यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो गई, यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन भी हो गई। जब इनकी रेट इक्वल हो गई तो हो जाएगी, तो यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ट्यूब ए में रिवर्सिबल रिएक्शन या ट्यूब बी में रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों नहीं हो गई, या क्यों नहीं इसमें इक्विलिब्रियम आ गया? क्योंकि आपने जो ट्यूब लिया था, दैट वाज ओपन ट्यूब, और यहां पे हाइड्रोजन एस्केप आउट हो जाएगा, एवालो हो जाएगा, यहां पे वाटर एस्केप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये आपस में मिलके वापस रिएक्टेंट्स देते तब रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल थी, मगर यहां पे तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट निकल गया है, यहां पे भी एक प्रोडक्ट निकल गया है, और यहां पे आप इनको निकलने की इजाजत नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप ये कहां कर रहे हो, क्लोज्ड वेसल में। तो फिर याद रखिएगा, नो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल शुड बी अलाउड, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल शुड बी अलाउड टू एस्केप आउट। कोई भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना आपका क्या
इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में करनी होगी, क्लोज्ड वेसल में करनी होगी। दिस वाज, तो फिर हमें पता लग गया यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए और साथ साथ इनकी रेट इक्वल होनी चाहिए और कोई भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में ही मैं एक क्लोज्ड वेसल यहां पे ले लेता हूं, थर्मोफ्लास्क, जहां पे ना बाहर से हीट आ जाए ना अंदर से हीट निकल जाए। आइस क्यूब्स ले लेता हूं प्लस कुछ वाटर ले लेता हूं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यहां पे आप इसको हीट नहीं दे सकते, इसकी हीट नहीं ले सकते, एट एनी टाइम यू कैन सी टू स्टेट्स ऑफ वाटर, एक तो इसका लिक्विड स्टेट होगा, एक तो इसका सॉलिड स्टेट होगा। दैट मींस दिस जितना अमाउंट इसका यहां चेंज होगा इतना वापस होगा चेंज। दैट मींस टू अपोजिंग प्रोसेसेस इस वक्त टू अपोजिंग प्रोसेसेस हो रही है, लेकिन यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। कौन सी प्रोसेस है ये, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज, टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन फिजिकल चेंज। उस वक्त जो इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस इक्विलिब्रियम को आप फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हो। क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट मींस फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है इसके टू टाइप्स है, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया जो फिजिकल प्रोसेस में आता है और नंबर सेकंड हो गया अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कहां पे आ जाता है, जो आ जाता है केमिकल चेंजेस में, टू अपोजिंग प्रोसेसेस व्हेन देयर इज टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां पे जो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा दैट विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इंट्रोडक्शन इसका खत्म किया। एक पॉइंट भी बाकी है, एक पोर्शन भी बाकी है, वो आप यहां पे देख लीजिए क्या है वो, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या खासियत है इसकी, पहला तो आपको पता ही है पहले दो, कि जो भी ये इक्विलिब्रियम आता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज मींस वेदर इट इज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ साथ अब इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, वो तो पता ही है आपको। एंड साथ साथ ये जो अपना इक्विलिब्रियम है, इट इज डायनेमिक इन नेचर। व्हाट इज दिस डायनेमिक, चलता फिरता, हमको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉपड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली दो प्रोसेस होती है, तभी हम इसको बोलते हैं डायनामिक। एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी तो इक्विलिब्रियम आता है। ये हम एक ग्राफ डालेंगे यहाँ पे, दिस इज द टाइम, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से इट इज द कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। आप सबको पता है जब मैंने एग्जांपल दी थी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, मैंने उस वक्त बोला था कि इन द फर्स्ट इंस्टेंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, लेकिन जैसे ही होता जा रहा है इसकी रेट कम होती जा रही है। इसकी रेट सबसे कम होगी बैकवर्ड रिएक्शन की। अब विद द टाइम द रेट गेट्स इंक्रीज्ड and a stage is reached, when both, that means forward reaction, इसका rate किसके बराबर होगा, backward reaction के, उसके बाद rate of reaction constant रहेगा, या you can say concentration of reactant and products will remain constant, concentration of reactant and products will remain constant, ठीक है? This was the second point कि equilibrium stage पे rate of forward and rate of backward reaction are इक्वल, ठीक। नंबर थर्ड, अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना होगा उस वक्त क्या, नन ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी अलाउड टू एस्केप आउट,
अलाउड टू एस्केप आउट। देख लीजिए इक्विलिब्रियम पे जब आपको इक्विलिब्रियम देखना हो, उसकी चाहत हो इक्विलिब्रियम देखने की, तो फिर उस वक्त एक बात याद रखना है कि आपको प्रोडक्ट को एस्केप आउट होने नहीं देना है। जैसे कि आपने रिएक्शन आयरन ऑक्साइड आयरन की देख ली थी, स्टीम के साथ आयरन ऑक्साइड बन गया था एंड हाइड्रोजन। मैंने उस वक्त बोला था इसको अगर आप एस्केप आउट होने दोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, जब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट, अब यहां पे देख लीजिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं थ्री टाइम्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गिव्स अस अमोनिया। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसे ही रिएक्शन कराऊं, दैट मींस यहां पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, यहां पे भी क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। उसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से एस्टैब्लिश हो सकता है या प्रोडक्ट साइड से एस्टैब्लिश हो सकता है। यही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेनर, कैन बी अटेनर फ्रॉम आइदर साइड, कैन बी अटेनर फ्रॉम आइदर साइड, चाहे रिएक्टेंट्स की साइड से या प्रोडक्ट्स की साइड से, किसी भी साइड से क्या हो जाता है, किसी भी साइड से अटेन हो सकता है इक्विलिब्रियम। ठीक, नंबर फिफ्थ देख लीजिए, कैटलिस्ट का यूज कीजिए आप यहां पे, कैटलिस्ट का यूज कीजिए यहां पे। अब क्या कैटलिस्ट की बात, कैटलिस्ट आपको पता है ये सब्सटेंस है, जब ये रिएक्शन में आप डालोगे ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है फास्ट। इसकी वजह से जो हमारा, अगर हम उस रिएक्शन में इसको यूज करें, फॉर एग्जांपल इस वाली रिएक्शन में यूज करें, इक्विलिब्रियम विल नॉट गेट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, हां ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम जो होगा दैट विल बी अटेनड क्विकली, दैट विल बी अटेनड क्विकली। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द इक्विलिब्रियम। कल हम इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉ मास एक्शन, या उसको बोलते हैं लॉ केमिकल इक्विलिब्रियम। टिल देन ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर किसी लेक्चर का नोटिफिकेशन आए जो मैं अपलोड करूं। कल इसका फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज लॉ केमिकल इक्विलिब्रियम। टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।